तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है या ख़राब हो गया है, तो आप इसका कनेक्शन डायरेक्ट कैसे करेंगे, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप भी आसानी से अपने फ़ैन रेगुलेटर के कनेक्शन को डायरेक्ट करके एमरजेंसी में चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फ़ैन है, यहाँ पर एक स्विच और रेगुलेटर से कनेक्ट हो रखा है। देखिए, जैसे ही रेगुलेटर ऑन करते हैं तो जो हमारा फ़ैन है वो यहाँ पर नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमें चेक करना है इस रेगुलेटर में क्या प्रॉब्लम है। कभी कभार क्या होता है, जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर है वो एक नंबर दो नंबर वर्क नहीं करता, सीधा 3 या 4 नंबर वर्क करता है। इससे भी पता चलता है जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर है वो ख़राब हो चुका है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, इस हमारे फ़ैन रेगुलेटर में क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम इस स्विच बोर्ड के कवर को निकाल देते हैं और इसको खोल के चेक करते हैं। तो एक यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इसको भी हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसके स्क्रू को खोल दिया है। अब इसके बाद इसका कनेक्शन चेक करेंगे और रेगुलेटर को चेक करेंगे कि इस रेगुलेटर में प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसके स्क्रू को निकाल दिया है। ये जो आपको ये सामने रेगुलेटर दिखाई दे रहा है, देखिए इसको पास से लाके देखते हैं तो यहाँ पर जो रेगुलेटर दिखाई दे रहा है वो जल चुका है। इसकी वजह से ये यहाँ वर्क नहीं कर रहा था। तो आप इमरजेंसी में अपने फ़ैन रेगुलेटर के कनेक्शन को डायरेक्ट करके चला सकते हैं, या फिर अगर आप फ़ैन रेगुलेटर परचेज़ करना चाहते हैं, परचेज़ करके इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे कनेक्शन हो रखे वैसे कनेक्शन कर दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके डायरेक्ट कनेक्शन के लिए। देखिए, यहाँ पर जो फ़ैन रेगुलेटर की जो वायर कनेक्ट हो रखी है, ये फ़ैन के वायर से कनेक्ट हो रखी है, येलो वाली से, और जो दूसरी वायर है यहाँ पर स्विच के ऊपर टर्मिनल पे कनेक्ट हो रखी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी सप्लाई को ऑफ कर लेना, जिससे कि हमें करंट ना लगे। तो यहाँ पर देखिए, जो स्विच में ऊपर वाले टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट हो रखी है रेगुलेटर की, सबसे पहले इसे निकाल देना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रेगुलेटर की वायर को निकाल दिया है। अब यहाँ पर जो फ़ैन की जो वायर इसमें कनेक्ट हो रखी है रेगुलेटर के साथ, इसको भी यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए, यहाँ पर इस पीले वाले तार को मैंने निकाल दिया, जो कि फ़ैन में गई हुई है, और इसी की जो दूसरी वायर है वो न्यूट्रल से पहले कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ जो पीली वाली वायर है, इसे फेस सप्लाई चाहिए होती है, जो कि रेगुलेटर से होके जाती है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो रेगुलेटर से हमने वायर निकाली थी, इस पर टेप लगा देते हैं, जिससे कि ये जो वायर है इससे कनेक्ट ना हो सप्लाई से। तो यहाँ पर देखिए, मैं इन दोनों वायरों पर टेप लगा देता हूँ। तो यहाँ मैंने फ़ैन रेगुलेटर की वायर पर टेप लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी सप्लाई को डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, इस फ़ैन को ऑन करने के लिए फेस सप्लाई चाहिए, न्यूट्रल पहले ही कनेक्ट हो रखा है। तो यहाँ पर हमें इसे डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो आपको स्विच दिख रहा है जिसमें रेगुलेटर की वायर कनेक्ट हो रखी थी, इस स्विच में हम इसको लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जो फेस सप्लाई है वो यहाँ पर स्विच के द्वारा इस फ़ैन को मिल जाएगी, जिससे कि हमारा जो फ़ैन है वो चल जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने इस पीले वाले तार को स्विच के ऊपर टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। जैसे हम इसके स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होगा, जो फेस सप्लाई है वो फ़ैन को मिल जाएगी और न्यूट्रल पहले से फ़ैन में आ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमारा हो चुका है। सिंपली हमें यही करना है, फ़ैन रेगुलेटर की वायर को निकाल के किसी भी स्विच के ऊपर वायर टर्मिनल पर लगा देना है, जिससे हमारा जो फ़ैन है वो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो रेगुलेटर है हमारा, इसका कोई काम नहीं है, तो इसे हम ऑफ कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसके स्विच को ऑन करता हूँ। देखिए, जैसे स्विच ऑन किया, हमारा जो फ़ैन है वो चालू हो चुका है और यहाँ पर हमारा फ़ैन वर्क कर रहा है। मगर यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, एक ही स्पीड में चलेगा, क्योंकि यहाँ पर फ़ैन रेगुलेटर हमारा काम नहीं कर रहा है। तो आप इमरजेंसी में इसी तरह इसका रेगुलेटर का डायरेक्ट कनेक्शन करके चला सकते हैं। अगर आपको कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इसके स्विच को ऑफ कर दिया है और जो हमारा फ़ैन है वो बंद हो गया है। आप चाहे तो ये रेगुलेटर चेंज भी कर सकते हैं। अगर चेंज करना है आपको, तो जैसे जैसे आप वायर इसके पुराने वाले रेगुलेटर के निकालेंगे, वैसे और नए वाले रेगुलेटर के वैसे कनेक्शन कर देने हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कनेक्शन करने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।